है एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफर पर। अब तक हमने देखा था जहान को हार्ट अटैक आया है। जब चेंग घर लौटा उसने पाया जहान बेड पर लेटा हुआ है, जैसे उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची। डॉक्टर्स उसकी केयर तो कर रहे हैं पर जैसे उन्हें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। उनका कहना था जान माल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है, उसने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया, वो डिहाइड्रेटेड भी हो चुका है जिस वजह से उन्हें इलाज करने में दिक्कत हो रही है। चेंग की आंखें भर गई, वह जानता था कुछ ना कुछ इसी तरीके से होगा। अगर जान और इबो ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर रहेंगे, जान ने चाहे जो कुछ भी किया हो पर अब उसकी जान इबो में बसती है, वो इबो से दूर नहीं रह सकता। तभी जिनलिंग सामने आया, उसने चेंग को दूसरे कमरे में ले जाकर उसे आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर्स जान को ट्रीट कर रहे थे, चेंग वहाँ खड़ा रहकर उसकी मदद नहीं कर सकता, उल्टा उसकी हालत देखकर चेंग की भी हालत ख़राब होने की संभावना थी। जिनलिंग ने चेंग को अश्योर किया कि जान अभी पहले से बहुत बेहतर है, वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं, तो चेंग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जान का अटैक माइनर था, माना कि उसे बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हैं पर डॉक्टर्स इसे क्योर कर सकते हैं, पर हमें फ्यूचर को लेकर केयरफुल होना चाहिए। तभी चेंग ने कहा, मुझे पता था एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। तब जिनलिंग ने उसे समझाते हुए कहा, हम कुछ करेंगे, ज़रूर करेंगे, हम अंकल को ज़्यादा परेशान नहीं होने देंगे। अब चेंग हल्के से जिनलिंग की तरफ झुक गया, जैसे वो उसके कंधे पर सर रखना चाहता हो, पर जिनलिंग पीछे हटा। उसने चेंग का सर अपनी गोद में लिया और उसके सर पर थपथपाने लगा। चेंग को अचानक से अपनी बहन की याद आई जो उनके मदर फिगर की तरह थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा यहाँ पर जिनलिंग नहीं यानली उसका सर थपथपा रही है। चेंग की आंखों में आंसू आ गए और वो उसी तरह जिनलिंग की गोद में सो गया। कहीं ना कहीं जिनलिंग इन सिबलिंग्स की लाइफ में एक आशा की किरण था। दूसरी तरफ इबो अचानक से बेचैन महसूस करने लगा था, पता नहीं क्यों। जी ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, सभी ने साथ में डिनर किया, पता नहीं क्यों आज इबो अचानक से सबके खाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी को खाना कम पड़ रहा है, कोई भूखा है और इबो को उसे खिलाने की ज़रूरत है। और उसकी ये बेचैनी सोने के टाइम तक भी नहीं गई। उसने मैम्मा को अच्छे से सुलाया, युबिन के साथ बातें की, जी के साथ बातें की। उसे ऐसा लग रहा था उसके परिवार में किसी को अच्छे से नींद नहीं मिल रही है। इबो की ये हालत कहीं ना कहीं जी के भी समझ में आ रही थी। अब जैसे ही इबो उसके पास आया, जी ने उल्टा उसी को शांत रहने के लिए कहा, उसे सुलाया और उसके बाद उसने चेंग को कॉल किया। दो बार अनआंसर्ड कॉल जाने के बाद उसने उसे मैसेज किया, उसे पूछा कि वो ठीक तो है ना, पर लगभग एक घंटे बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तो जी की बेचैनी भी बढ़ने लगी, तो अपनी बेचैनी शांत करने के लिए सबके सोने के बाद वो वहाँ से निकल गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, इबो आज चेंग के साथ गया था, हो ना हो चेंग उसे जिन मेंशन ले गया होगा। आज उसका पहला दिन था जिन मेंशन में, पता नहीं ये कैसा बीता होगा। कहीं मिस्टर शाओ से उनका इनकाउंटर तो नहीं हुआ, कहीं मिस्टर शाओ चेंग पर भड़क तो नहीं गए, कहीं उन्होंने चेंग को कोई हार्म तो नहीं पहुंचाया, क्योंकि चेंग उसके कॉल और मैसेज को इग्नोर करते ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो डिनर भी कर रहा होगा, ये सोचकर उसने एक घंटे तक वेट भी किया, लेकिन तब भी चेंग का कॉल नहीं आया। और अब वो इतनी देर से ड्राइव कर रही है, तब भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। जितना हो सके उतना फास्ट वो जिन मेंशन पहुंचना चाहती थी। जब वो मेन गेट पर पहुंची, उसने यहाँ पर तंग वातावरण देखा, ऐसा लग रहा था कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने फिर से चेंग को कॉल करने की कोशिश की, पर इस बार भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। अब जी का कंट्रोल खोने लगा था, तो उसने
इबो को हेल्प के लिए कॉल किया। इस वक्त यूबिन को मामा के पास रुकना ज़रूरी था, तो ऐसे में बस इबो ही था जो उसकी हेल्प कर सकता था। दूसरी तरफ इबो भी अपनी कच्ची नींद में था। आजकल उसे गहरी नींद कभी आती ही नहीं थी, उसे हर वक्त सपने आते रहते थे जिस वजह से वो जगह जगह ही रहता था। उसने पहले ही ये नोटिस कर लिया था कि जी कमरे में नहीं है। वो जानता था जी और चेंग आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर दोनों के शेड्यूल की वजह से उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता। ऊपर से उनकी जिम्मेदारियाँ, जाहिर सी बात है। उसने सोचा कि जी शायद चेंग से मिलने गई होगी, दोनों साथ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, थोड़े से कोजी मोमेंट्स बिताना चाहते होंगे। पर जैसे ही उसने अपने साइलेंट फ़ोन को वाइब्रेट करते हुए सुना, उसने तुरंत कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से जी की दबी हुई सोबिंग सुनाई दे रही थी, जैसे वो सिसकियाँ ले रही हो। इबो तुरंत अलर्ट हो गया। उसने एक बार चेक किया, यूबिन और मैमा सो रहे हैं। वो तुरंत अब घर से बाहर की तरफ निकला जी की मदद करने के लिए। हाँ, जाने से पहले उसने यूबिन के लिए नोट छोड़ दिया कि वो अपना और मैमा का ख्याल रखे। वो तुरंत जिन मैंशन में पहुँचा, अपनी जय को खोजने लगा। जैसे ही जी उसके नज़रों के सामने आ गई, उसने तुरंत उसे हक कर लिया। जी तो इबो के बाहों में टूट कर रोने लगी। उसे लगने लगा था कि चेंग के साथ बहुत बुरा हुआ है। दूसरी तरफ इबो को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसका सर दर्द करने लगा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया, जी को अपने साथ लिया। वो दोनों अब वहाँ से जाने ही वाले थे, पर जी जिद करने लगी, उसे बस एक बार चेंग को देखना है। तो इबो ने हिम्मत करके दीवार कूद कर अंदर जंप लगाई और जी को भी अपने साथ ले लिया। उसे ऐसा लगने लगा कि रास्ता वो जानता है, जैसे कि वो यहाँ से कई बार गुजर चुका है। अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह इबो को समझ आया कि वो गार्डन में उसी जगह खड़ा है जहाँ दोपहर में चेंग के साथ खड़ा था। उसने ऊपर की खिड़की की तरफ देखा, जहाँ उसे यंग लड़का उसी रास्ते को घूरता हुआ नजर आया, जैसे वो वहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे इबो अपने आप को देख रहा था। उसकी नज़रें जहाँ जहाँ जा रही थी, इबो भी उसी रास्ते से होता हुआ मेंशन के अंदर चला आया बिना किसी की नज़र में आए। ये सब चीज़ें इबो ऐसे कर रहा था जैसे वो पजस हो गया हो। माना कि उस वक्त सारे लोग जान की कंडीशन पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए बाहर से कोई अंदर आ रहा है इस चीज़ पर किसी को ध्यान देने का मौका नहीं मिला। पर फिर भी गार्ड्स तो थे, घूम रहे थे, और इबो ऐसे ही चलता जा रहा था। अचानक से जी ने उसे एक तरफ खींच लिया, तब जाकर इबो को होश आया और वो अपने आसपास देखने लगा। वहाँ अंधेरा था, इबो को अंधेरे से डर लगता था, पर अभी डरने का समय नहीं था। उसने अपने डर से लड़कर जीतना सीखना था अपनी चेय के लिए, और इबो ने ऐसा ही किया। वो जी का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगा, फिर किचन के रास्ते अंदर चला आया। जी ने नोटिस किया कि वहाँ पर खाना तो तैयार है, पर शायद से किसी ने खाया नहीं है। ये देखकर उसने इबो का हाथ टाइटली पकड़ लिया। इबो ने भी उसके हाथ पर थपथपाते हुए उसे एश्योरेंस दिया कि सब कुछ ठीक होगा। बस कुछ ट्विस्ट और टर्न के बाद, लगभग 10 मिनट बाद, वो लोग एक विंग में पहुंच गए, और ये विंग इबो के पहचान की थी और नहीं भी, क्योंकि ये जान की विंग थी। शायद इबो में इस बात की मसल मेमोरी थी, पर उसे कुछ याद ठीक से नहीं आ रहा था। इधर जी ने पहले ही चेंग को देख लिया था, तो वो उस तरफ चली गई। चिल्लिंग और चेंग दोनों भी सो रहे थे। जी उन्हें देखकर रिलैक्स हो गई। चेंग अपने डेविल भाई के चंगुल से अभी भी सेफ है, इससे ज़्यादा उसे चाहिए भी क्या। तो अब वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी। उसने इबो को इशारा भी किया और अब गार्ड्स और सर्वेंट से बचते बचाते वापस जाने लगी। वो कुछ दूर गई होगी तो उसने मुड़कर इबो को टटोला, पर शौक की बात थी कि इबो उसके पीछे था ही नहीं। अब तो उसकी जान हलक में आ गई, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था इबो को ढूंढने के सिवा। तो वो चुपचाप उसी तरह से
जहान के विंग की तरफ वापस जाने लगे जहाँ पर उसने इवो को आखिरी बार देखा था। उसे लग रहा था इवो तो उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो बस आगे देखते देखते छुपते छुपाते आगे बढ़ रही थी, पर इवो नहीं था। तो जी ने उसी तरफ जाना शुरू किया। अब वो पैनिक होने लगी थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, वो यहाँ पर ट्रैप हो चुकी थी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसे इवो भी नहीं मिल रहा था, तो उसने चेंग को उठाने का तय किया। जी जितना हो सके उतना जल्दी जान के विंग की तरफ वापस आई, उस कमरे में चली गई जहाँ पर उसने चेंग को सोते हुए देखा था। इधर सर्वेंट्स को भी खबर लग गई कि कोई तो मेंशन में घुस गया है। उन्होंने गार्ड्स को इत्तला कर दिया और गार्ड्स भी इधर उधर ढूंढने लगे। जी कोई ट्रबल बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए हो सके तो गार्ड को नॉकआउट करके भी वो वहाँ से चली गई और चेंग को उठाने लगी। पर चेंग जल्दी उठा नहीं, जबकि जिनलिंग ने आंखें खोली। पर तब तक एक और गार्ड ने आकर जी पर हमला कर दिया था और उसे ज़मीन पर लिटा दिया था, उस पर गन पॉइंट कर दी थी। तब जिनलिंग ने उन्हें रोकते हुए उन्हें वापस जाने का इशारा किया। गार्ड्स वहां से चले गए और जिनलिंग ने कुछ सर्वेंट्स को चेंग का ख्याल रखने के लिए कहा। अभी उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, उसे आराम की ज़रूरत थी। जी ने जिनलिंग से दबी आवाज़ में कहा, इवो खो गया है। और अब वो दोनों भी इवो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गए। कहीं उसे अपना पास्ट तो याद नहीं आ गया, यही बात दोनों के दिमाग में चल रही थी। तभी जी बड़बड़ा रही थी, सारी मेरी गलती है, मुझे उसे मदद के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। जिनलिंग ने कहा, परेशान मत होइए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। दोनों सीसीटीवी रूम की तरफ जाने वाले थे। जिनलिंग ने आज शाम को क्या क्या हुआ ये सब जी को बताया। जी ने भी अपनी आपबीती बताई। तभी जिनलिंग को कुछ स्ट्राइक किया और वो वापस जान के रूम की तरफ दौड़ा, क्योंकि ये वही रूट था जहाँ पर जान इवो को ले जाया करता था। अगर इवो इस रूट से आया है, मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रूट बस गया होगा। शायद से इवो जान के रूम में हो सकता है, ऐसा जिनलिंग का अंदाज़ा था, जो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उन दोनों ने आगे जो देखा वो देखकर उनकी सांसें ही थम गई। जैसा कि जिनलिंग ने अंदाज़ा लगाया था, ये वही रूट था जहाँ से इवो नीचे डाइनिंग टेबल तक आया जाया करता था, उसी रूट से वापस आता था। जब तक इवो जान के विंग में नहीं आया था तब तक तो वो बिल्कुल सही था, पर जैसे जैसे वो जान के विंग में चलने लगा, उसे तिरछी आंखों से वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगी जो उसे नीचे जाते और आते वक्त दिखाई देती थी। और अचानक से इवो ब्लैंक हो गया पूरी तरह से। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि आगे से जान ने उसका हाथ पकड़ा हो, और वो उसी तरह से कदम कदम बढ़ाते हुए जान के बेडरूम तक पहुंचा। जी तो चलते चलते आगे पहुंच चुकी थी, चेंग को देखकर रिलीफ कर रही थी। इधर इवो उस रूम में घुसने के बजाय सीधा जान के पास चला गया था, जहाँ कुछ नर्सेस और डॉक्टर अभी भी जान का चेकअप कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। इवो वहाँ पहुँचा, वह बस जान के बेड के बिल्कुल करीब चला गया। डॉक्टर हान उसे पहले से ही पहचानते थे, क्योंकि जब इवो बेहोश हुआ था तब वो उसे देखने के लिए आए थे। अब जान का हस्बैंड यहाँ है, ये देखकर डॉक्टर पीछे हट गए। उन्होंने नर्स को भी इंटरप्ट करने से मना किया। इवो सीधा जान के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और उसके बेड पर लेट गया उसकी बाहों में, जैसे वो हमेशा लेटा करता था। इवो की खुशबू से मैजिकली जान काम डाउन हो गया, उसकी धड़कन नॉर्मल हो गई। डॉक्टर हान ने बस एक बार जान के सारे मशीन्स की तरफ देखा, जो अब क्वाइट नॉर्मल हो गई थी। ये सब देखने के बाद उन्हें समझ आया कि जान को मशीन्स की नहीं इवो की ज़रूरत है। ये अटैक स्ट्रेस अटैक हो सकता है, जिसे इवो के एब्सेंस ने ट्रिगर कर दिया था, और जब अब इवो वापस आ गया है तो ज़रूर जान ठीक हो सकता है। प्रिकॉशन के तौर पर वो वहीं रुकना चाहते थे, तो उन्होंने नर्स को वहाँ से जाने के लिए कहा और ख़ुद भी जान के आईवी ड्रॉप हटाकर वहाँ से चल दिए।
जहान अब तक काफ़ी हद तक हाइड्रेटेड हो चुका था, उसे न्यूट्रिशन भी दिए गए थे। आईवी ड्रॉप कुछ देर तक इंतज़ार कर सकता था। अब डॉक्टर उस रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने का एहसास होते ही एबो ने कुछ करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने शूज़ उतारे, उसके बाद अपना आउटर कोट, और धीरे धीरे उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, जैसे कि वो पहले जहान के आने पर किया करता था। वो धीरे धीरे जहान को टच करने लगा, किस करने लगा, इंच बाय इंच, जैसे ईपो हमेशा करता था। और जहान की दिल की धड़कन अब बढ़ने लगी थी, उसकी कोल्ड बॉडी गर्म होने लगी थी। जहान के शरीर पर अभी भी कहीं कहीं वो मैपिंग मशीन्स लगाई हुई थी। उसकी हार्ट बीट साइड की मशीन पर दिखाई दे रही थी, जो ईबो के टच करने के बाद बढ़ती जा रही थी। जहान जैसे रिकवर कर रहा था, और ईबो अब इस रिकवरी को किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ता रहा। जहान के पूरी बॉडी को अपने बेड केसेस से कवर करने के बाद, उसे अच्छी तरह से टटोलने के बाद, ईबो ब्लैंकेट के अंदर जहान के साथ लिपट कर सो गया। जहान ने जैसे राहत की सांस ली, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी और ईबो की आंखें भी डार्क हो रही थी। जहान की बॉडी पर वायस थे, जिन्हें देखकर ईबो को चिढ़ हो रही थी। जैसे जहान सिर्फ और सिर्फ उसे बिलोंग करता है, ऐसी उसकी हरकत थी। उसने उन वायर्स को जहान के शरीर से निकाला। वो तो शुक्र है जहान का आईवी ड्रॉप पहले ही ख़त्म हो गया था, वरना तो शायद ईबो उसे हार्म भी कर सकता था, क्योंकि उसके वायर्स खींचने का तरीका बिल्कुल भी हम्बल नहीं था। डॉक्टर लगभग आधे घंटे बाद उन्हें देखने के लिए आए। तब तक ईबो का सारा काम ख़त्म हो चुका था। वो उन वायर्स को, उन मशीन को डैमेज कर दे, इससे पहले डॉक्टर ने वहाँ आकर ईबो की हेल्प करना शुरू किया। ईबो ने आदत अनुसार अपने कपड़े फोल्ड करके अच्छे से बेड साइड टेबल पर रखे थे। डॉक्टर ने वो देखा, वो समझ गए ईबो को कोई तो मेंटल बीमारी है। पर अभी इस बारे में डिस्कस करने का कोई सीन नहीं बनता था, इसलिए डॉक्टर ने चुपचाप वहाँ पर अपना काम ख़त्म करके इजाज़त ली। वहाँ से चले गए ईबो और जान को अकेला छोड़कर। उसी टाइम पर वहाँ पर जी और जिनलिंग आ गए। जी ने देखा नर्सेस और डॉक्टर सारे मशीन्स को शट डाउन करते हुए वहाँ से लेकर जा रहे हैं, और ईबो जान की बाहों में बड़े सुकून से सो रहा है। उन दोनों ने गहरी सांस ली। पता नहीं कल क्या होगा, पर आज जो कुछ भी हुआ है उनके लिए काफ़ी है। चेंग सेफ है, जान और ईबो भी सेफ है। अब वो दोनों डॉक्टर से बात करने के लिए वहाँ से चल दिए। उसके बाद जी चेंग के रूम में लौट गई, जबकि जिनलिंग ने ईबो के इस्तेमाल किए हुए कपड़े उठाए, उन्हें बास्केट में डंप कर दिया, क्योंकि ईबो को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कुछ स्पेशल सर्वेंट्स को बुलाकर उस रूम की साफ़ सफाई ऐसे करवा दी जैसे उसमें पहले कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि अगर कल सुबह ईबो उठेगा तो पता नहीं उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जिनलिंग ऐसे टाइम पर ईबो को वल्नरेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने सारे प्रिकॉशन लिए और वहाँ से चला गया उस रूम को बंद करके। अगली सुबह युविन को जिन मैंशन से कॉल गया कि उसे जिन मैंशन में आना है, तो वो मैमे को लेकर वापस जिन मैंशन में आ गया। अभी काउच पर बैठा वो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहा था, जो कि कुछ देर में आ भी गए। वहाँ पर चेंग जी और जिनलिंग आ गए थे। मैमे ने जिनलिंग को देखकर स्माइल की, जिनलिंग ने भी स्माइल की, जो उसके आंखों तक नहीं पहुँच रही थी। उसके ऐसी हालत देखकर मैमे को बहुत बुरा लगा। जिनलिंग जो एक चेयरफुल और टेंशन फ्री लड़का था, अचानक से बहुत मैच्योर लगने लगा था। उन सब ने साइलेंटली ब्रेकफास्ट किया, कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। चेंग अभी भी श्योर नहीं था कि ईबो की कंडीशन क्या होगी, जबकि जान खतरे से बाहर था, पर दोनों भी सो रहे थे। वैसे तो वो चाहता था कि वो सब लोगों को इस चीज़ के बारे में वार्न करे, पर उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारे लोग पहले से ही
इस चीज़ के लिए तैयार थे। युबिन अब कॉलेज के लिए निकल गया। चिंग ने जिनलिंग और मैमे से कहा कि वो दोनों थोड़ी देर के लिए जान और रिबो पर नज़र रखे, तब तक वो जी को वापस छोड़कर आता है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल जा सकते हैं। एक्चुअली जी और चिंग को बात करने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें भी करना चाहते थे। इसलिए चिंग ने जी को वापस छोड़ने का इरादा किया। इधर जिनलिंग और म्याम्या अकेले मैंशन में रह गए। म्याम्या इंतज़ार कर रही थी कब उन दोनों के बीच की ये बर्फ़ की दीवार पिघलेगी, पर जिनलिंग उसको तो जैसे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने म्याम्या से कहा कि वो ड्राइवर को लेकर स्कूल चली जाए, जिनलिंग उसे दोपहर में ज्वाइन करेगा। म्याम्या जो अब तक एक होप रखे हुए थी कि जिनलिंग फिर से नॉर्मल होगा, उसे पहले की तरह बात करेगा, उसके इस बिहेवियर से अंदर से टूट गई। उसकी आंखें नम हो गई, आंसू निकलने लगे। जिनलिंग ने देखा म्याम्या कोई हलचल नहीं कर रही है, तो उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। म्याम्या साइलेंटली रो रही थी। उसकी आंसू निकलते हुए देखकर जिनलिंग वहीं पर थम गया। वो कोई पत्थर का नहीं बना था, माना कि परिस्थितियों ने उसे थोड़ा सा मैच्योर बनने पर मजबूर कर दिया था, पर म्याम्या के लिए उसके दिल में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उसने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ डॉल? उसे टिश्यू दिया। म्याम्या ने सर हिलाकर मना कर दिया, तो जिनलिंग ने कहा, मेरी तरफ देखो। म्याम्या अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, ना ही उसने अपना सर ऊपर उठाया। वह अभी भी फर्श की तरफ देखते हुए सिसकियाँ ले रही थी। तो जिनलिंग उसके करीब आया, अपने दोनों हाथ म्याम्या के शोल्डर पर रखे और कहा, कोई बात नहीं अंकल, ये वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब म्याम्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अलग ही इमोशंस दिख रहे थे। उसके दिमाग में अभी वो चल भी नहीं रहा था, जब उसके खुद के दिल की हालत का उसे पता नहीं था। वो क्यों परेशान हो कि कहाँ आसमान गिर रहा है, कहाँ धरती फट रही है। उसके लिए अभी बस एक ही चीज़ मैटर कर रही थी, जिनलिंग। इस हालत में म्याम्या आगे बढ़ी। उसने अपना सर जिनलिंग के चेस्ट पर रखा, फिर अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रखे, उसे अपने बाहों में ले लिया। पहली बार उसका बोल्डनेस देखकर तो जिनलिंग खुद शॉक हो गया, पर तभी वो रिकवर भी हुआ और उसने तुरंत म्याम्या को बाहों में ले लिया। म्याम्या ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लिंगलिंग। जिनलिंग के दिल में सुकून था, होठों पे मुस्कुराहट, आंखों में नमी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया डॉल। म्याम्या ने सर उठाकर जिनलिंग की तरफ देखा। जिनलिंग ने भी उसे आंखें मिलाई। अब दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थी, उनमें एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। म्याम्या ने वापस से अपना सर जिनलिंग के चेस्ट पर रखा। अब जैसे उसे अपनी सांसें वापस मिल गई थी, उसे अपना प्यार मिल गया था। अचानक म्याम्या ने पूछा, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो जिनलिंग ने उसी तरह से उसके सर पर अपना सर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला था डॉल, प्लीज़ दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अब म्याम्या ने उसकी बाहों से अलग होकर उसकी तरफ देखा। जिनलिंग को बुरा लगा, शायद से उसने कहीं गलत बात तो नहीं की। म्याम्या अभी भी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, और कहीं ना कहीं उसे जिनलिंग की वजह से इस हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जिनलिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसने अपना सर झुकाया, आंखें बंद की, अपना इमोशनल ब्रेकडाउन होने से खुद को जैसे तैसे रोकने लगा। अगले ही पल मानो उसकी दुनिया थम सी गई, जब उसके होंठों पर उसने किसी के होंठ पाए। ये तो उसकी डॉल थी, उसकी म्याम्या। जिनलिंग की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई, पर उसने अब बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाया, तुरंत म्याम्या को बाहों में ले लिया। उनका पहला किस। म्याम्या तो उस किस के बाद वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर जिनलिंग ने मौका ही नहीं दिया। वो तुरंत उसे जेंटली किस करने लगा, और ये जेंटल किस कब पैशनेट में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। वो तो म्याम्या को सांसें कम पड़ने लगी, तो उसने जिनलिंग के चेस्ट पर मारना शुरू किया। तब जाकर
चिल्ली ने उसे थोड़ा सा छोड़ा। म्यांमार ने सांस ली और तुरंत चिल्लिंग पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इस बात पर चिल्लिंग ने मुस्कुराते हुए फिर से उसे बाहों में लिया अगले किस के लिए। पर इस बार म्यांमार ने उसे बहुत ज़ोर से मारा, पर चिल्लिंग उसके मार से थोड़े ही डरने वाला था। वो तो वही करेगा जो उसे करना चाहिए। उसने फिर से म्यांमार को किस करना शुरू किया। म्यांमार ने पहले अपोज तो किया, पर जल्द ही वो उस किस में मेल्ट हो गई। चलो हमारे जानी कपल एक तो हो गए हैं, देखते हैं उनके बीच में रोमांस कब शुरू होता है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।